कराची में डेंगू वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया। 192 नए केसेस रिपोर्ट, सबसे ज्यादा जिला कोरंगी के 63 केसेस भी शामिल। डेंगू और मलेरिया का डेटा फराहम करने की हिदायत दे दी गई। वजीर सेहत सिंध का निजी अस्पतालों को इंतबाह, अहकामात नजरअंदाज करने पर सील करने के अहकामात भी दे दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब की आवाम से एहतियात की अपील, कहते हैं डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं। फ्यूमिगेशन की मानसून में 2 मरतबा मुहिम चलाई है। कराची में डेंगू के फैलाव पर इजहार तशवीश, हाफिज नईम कहते हैं अस्पतालों में बिस्तर तक दस्तियाब नहीं। 15 बरसों से मुसल्लत हुकूमत ने करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं किया। इमदादी कैंप्स में डिस्पेंसरीज का मुआयना, वजीर आला सिंध का ठट्टा और सजावल का दौरा। मुराद अली शाह कहते हैं कि 15 लाख टेंट्स की जरूरत है, 33% मुतासर अफराद तक नहीं पहुंच सके। सैलाबजदा इलाकों में वबाई अमराज बेकाबू, मुतादिद बच्चों समेत सैकड़ों अफराद मलेरिया का शिकार हो गए। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। सदर मुमलिकत का बेनजीराबाद का दौरा, सकरण के करीब खैमा बस्ती का मुआयना किया। डॉक्टर आरिफ अलवी की मुतासरीन से मुलाकात, सहूलियात का जायजा लिया। हुकूमत के पास सैलाब से निमटने का प्लान नहीं है, इमरान खान कहते हैं इनका मकसद महंगाई नहीं करप्शन केसेस खत्म करना था। जल्द अज जल्द आम इंतखाबात नागुजीर हैं। लाडला ना हो तो इमरान खान से निमटना 3 दिन का काम, मरियम नवाज की ललकार, कहती हैं हुकूमत को इस शख्स की जल्द इलेक्शन कराने की बात सुननी ही नहीं चाहिए। शहबाज गिल को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल भी किया गया। वजीर आजम का उज़्बेकिस्तान का दौरा, रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात। शहबाज शरीफ का शंघाई तआवुन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत को मुत्तहिदा का अलहदगी का इंतबाह, शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाया था कि कराची के लोग लाशें उठाएं, अब अगर लाश रखी तो अपनी हुकूमत खुद संभालना, वसीम अख्तर बरस पड़े। 7000 रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, वीटा चरंगी से मटके वाली पुलिया तक सफर दुश्वार, ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए। कोरंगी 5 नंबर की रोड पर ताहाल बारिश का पानी जमा, अहम सड़क पर बड़ी झील का मंजर, ट्रैफिक मुतासिर हो गई, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मिस्टर टाउन में गैर कानूनी बाजार लगा दिया गया, कमिश्नर लाहौर के नोटिस पर मुकदमा दर्ज, शहरियों का बचत बाजार की इजाजत देने का मुतालबा। हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी का 979वां उर्स, लाहौर में 3 रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से जायरीन की आमद। चहलों में शहदाए करबला अलैहिस्सलाम के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, मरकजी जुलूस के रूट पर ट्रैफिक ममनू होगा। 16 सितंबर को डबल सवारी पर पाबंदी आई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज, कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। 4 मैचेस कराची में खेले जाएंगे, पहला मैच 20 सितंबर को होगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की 17 साल बाद पाकिस्तान आमद, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी सैलाब मुतासरीन की मदद करेगा, कप्तान जॉस बटलर का इजहार ख्याल।
पाक इंग्लिश सीरीज के पुरमन इनेकाद का अजम कर दिया गया। DIG डॉक्टर मकसूद अहमद की जेर सदारत इजलास भी मुनक्किद किया गया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया गया। It's written in the stars. I am a star. No actors or dogs allowed. I changed that. Get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it. What the fuck? There's no place in the world. ब्रैड पिट के मद्दा हो जाएं तैयार। फिल्म बेबीलोन का ट्रेलर जारी, आइंदा बरस जनवरी में रिलीज का ऐलान।